Hi guys, my name is Mohsin Khan and you're watching my kind of productions. And मैं क्या करता हूँ, मैं street food cover करता हूँ, restaurant food cover करता हूँ. और इस बार मैं आ गया हूँ फिर से Zaika Caterers cover करने के लिए, उनके famous Russian kebab and Tangdi kebab. चांद भाई ने अग्री किया है ये रेसिपीज हमारे साथ शेयर करेंगे, इज वेरी पॉपुलर. चांद भाई थैंक यू सो मच, आप फिर से हमारे चैनल पर आए हैं. एंड यहाँ पे ये कैसे है सर? ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नसीम भाई भी है हमारे साथ, चांद भाई भी है. और या इनके वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गए हैं यूट्यूब पे, और अब ये तंगड़ी कबाब में भी मसाले लगा रहे हैं. सो वील बी शेयरिंग द रेसिपी, यू कीप वॉचिंग, डोंट गो एनीवेयर. दिस इज द रेसिपी ऑफ तंगड़ी कबाब. तंगड़ी कबाब में सबसे पहले क्या कर रहे हैं? चीरा मारना है. ओके, चीरा मारना है. चीरा मार दोगे तो अंदर तक नमक और मिर्ची अंदर तक. हाँ हाँ हाँ, तो ये मैरिनेशन के लिए अब आप चीरा मार रहे हैं. आपको अगर ऑर्डर करना है किसी को तो ये तंगड़ी कबाब कैसा मिलता है? तंगड़ी कबाब ये 45 रुपए का पड़ता है. अभी तो यहाँ मैं एक तंगड़ी 30 रुपए का बेच रहा हूँ जी. और ये ऑर्डर का होता है तो ये 40 रुपए में पड़ता है ऑर्डर का. 40 रुपए हाँ. और इसमें तंगड़ी के अंदर बहुत वैरायटी है, ईरानी चिकन भी बनता है. अच्छा, लेकिन अभी आप फिलहाल तंगड़ी कबाब. तंगड़ी कबाब बना रहा हूँ जी. Now he's going to marinate the chicken. बस ये हो गया है. अब हम मसाला चलाएंगे. जी. मिर्ची पेस्ट है. ये मिर्ची पेस्ट है. मिर्ची पेस्ट कितना लगभग लगेगा? ये लगभग 50 ग्राम जितना. सिर्फ पीसी हुई मिर्ची है. और ये है? ये अदरक जो है ये 35 ग्राम जितना. 35 ग्राम अदरक. और ये है लहसुन. लहसुन का पेस्ट. लहसुन भी 40 ग्राम जितना. 40 ग्राम जितना. मसाले काफी पड़ रहे हैं इसमें. चिकन कम, मसाला ज्यादा, तड़का ज्यादा. और ये अब पड़ेगी हल्दी. हल्दी ये 500 ग्राम का मसाला बना रहा हूँ. ये 500 ग्राम मतलब आधा किलो के लिए इतना अब आपको लगने वाला है. ये लाल मिर्ची है. ये कौन सा पाउडर है? धनिया पाउडर. धनिया पाउडर है. धनिया पाउडर. और ये अब आपने डाला नमक. नमक स्वाद अनुसार. और ये रेड एडिबल कलर भी आप डाल सकते हैं. कस्तूरी मेथी. ये कस्तूरी मेथी है. क्या बात है. तंदूरी मसाला कौन सा? एवरेस्ट का यूज कर रहे हैं. आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का तंदूरी यूज कर सकते हैं मसाला. और उसका अच्छा होता है. एवरेस्ट का अच्छा होता है. ओके, तो अंडा डालने का. ओके, सो यहाँ पे 500 ग्राम में एक अंडा डालना है. और अगर एक किलो होता है तो इसमें दो अंडा डालना होता है. और अब ये क्या यूज कर रहे हैं चांद भाई? आमचूर पाउडर. आमचूर. ओके, आमचूर पाउडर. हल्का से यूज करना. हल्का सा मैदा. ये हल्का 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर. ये आधा किलो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 5 पीस आ गए. ओके, सो ऐसे ही आप लोग देखते रहे हमारा चैनल. नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग स्ट्रीट फूड, केटरर फूड, नेम इट, एंड वी आर डूइंग इट फॉर यू. तंगड़ी कबाब आपने रिक्वेस्ट किया था तो आपकी रिक्वेस्ट और आंखों पर. ओके, एंड ट्राई करिएगा इस रेसिपी को. मिक्स करना है. कितनी देर मैरिनेट करना होगा इसे? इसको 20 से 25 मिनट रख दो ये मसाला चढ़ने के लिए. क्या बात है, जितना ज्यादा मैरिनेट करो उतना ज्यादा अच्छा. बट मिनिमम 20 से 25 मिनट. हाँ, 20 से 25 मिनट. हाँ,
टंगड़ी कबाब तो हम लगभग 20 से 25 जाति का टंगड़ी कबाब बनाते हैं, तो ये दूसरे जो बनते हैं वो दही में बनते हैं। अच्छा, वो सेकने वाले जो होते हैं वो दही में बनते हैं, ये फ्राई करने वाला, ये फ्राई वाला है, तो ये इसके अंदर अंडा और ये मैदा का पड़ा है, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर मैदा नहीं होता है। अच्छा, इनकी वेज बिरयानी फेसबुक पे बहुत पॉपुलर है, और जो चिकन दम बिरयानी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत फेमस है। बस ये हो गया जी, अजान की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे हमने चिकन मैरिनेट किया था, कितने देर तक मैरिनेशन करना होता है इसका? ये लगभग 20 से 25 मिनट, 20 से 25 या तो उससे ज्यादा भी करो तो और ज्यादा करो तो और अच्छा है, ज्यादा करो तो और अच्छा है। और ये देखिए मसाला अब ऑलमोस्ट बाइंड हो गया है, रेडी हो गया है अच्छे तरीके से, चीरी मार के यहाँ पे तंगड़ी कबाब हमारा रेडी हो गया है। अभी इसे फ्राई करेंगे। ओके, धीमे गैस पे करना है फ्राई? धीमे गैस एकदम स्लो होना। क्या बात है, एक दो, लवली। और कितनी देर तक इसे फ्राई करना होता है? 10 मिनट तक। 10 मिनट तक, 10 मिनट तक आप ऐसे इसे फ्राई करें और ये रेडी हो जाएगा। बस हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच यहाँ पे चांद भाई। आप किसी को अगर ये ऑर्डर करना है तो कितना मिनिमम क्वांटिटी? ये क्वांटिटी तो लगभग 10-12-15 होगा, तो 15 से 20 अगर आपने टंगड़ी कबाब ऑर्डर किया तो ये आपके घर तक पहुँचा देंगे। मुंबई में अगर आप पार्टी ऑर्डर देना चाहते हैं प्लीज़ जायका केटरर्स को आप ऑर्डर दीजिएगा। हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग इन्हें पूरे मुंबई से फ़ोन कर रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग देम ऑल्सो ऑल बिकॉज दे आर शेयरिंग देयर रेसिपीज। ओके, एंड देखा आपने कितने अच्छे तरीके से साफ तरीके से ये बनाते हैं खाना। सो ऐसे ही आप ऑर्डर देते रहें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तंगड़ी कबाब रेडी है? तंगड़ी कबाब रेडी है। ओके, चलिए तंगड़ी कबाब रेडी है। वाओ, अच्छा पीस भी आपने अच्छे खासे बड़े बड़े लिए? हाँ, बड़े बड़े लिए, बड़े बड़े पीस। क्या चीज, क्या चीज, वाह। और ये रेडी हो गया। Guys, it's time for me to try the तंगड़ी कबाब। Okay, तंगड़ी कबाब मैं शामिल करने वाला हूँ और आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। पर बहुत सलीके से इन्होंने बनाया है और बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको ये भी बता दूँ, गर्मा गर्म है। एंड I'll take a bite। तो उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ इसका मसाला कैसा है, ये हल्का सा मसाला पहले ट्राई कर दो। वाओ, फैंटास्टिक, मसालेदार है और सुपर है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप चिकन में नहीं तो फिर आप ये पनीर पे भी मसाला जो इन्होंने दिखाया है यही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी तंगड़ी का बाइट लेके बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। बहुत गर्म है यार। वाओ, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं जो फ्राइड चिकन बेचते हैं, उन सबको भी ये मात दे देगा। आप ये वाला फ्राइड चिकन ट्राई करें, ये वाला तंगड़ी कबाब ट्राई करें, अमेजिंग इज द वर्ड। हर पार्टी की ये जान बन जाएगी अगर आपने इसे घर पे बनाया। डू ट्राई इट एट होम इफ यू लव चिकन, फ्राइड चिकन। सो दिस तंगड़ी कबाब सुपर्ब इज द वर्ड, मज़ेदार है, मसालेदार है और जान भाई बहुत 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 बढ़िया बना है, बहुत सुपर्ब है। एंड एक और बाइट तो बनता है। गर्म है बट आई कुडंट रेजिस्ट। वाओ, ऐसी और भी गर्मा गर्म मसालेदार यमी रेसिपीज हम ऑथेंटिक ओरिजिनल यमी रेसिपीज आपके लिए लेके आएंगे फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स की, स्ट्रीट फूड की, केटरर्स से। ओके, लेकिन आपको भी वहाँ पे प्यार देना होगा हमें, तो ऐसे प्यार देते रहें एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच, दिस इज मोहसिन खान। ओए यार, आ करो आप, मैं खा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शब्बा केयर।